है। यस, धीरे धीरे बच्चे क्या हो गए, इनको भाग क्यों रहे हैं। यस, हेलो एल्केन और हेलो एरिन पसंद नहीं है क्या चैप्टर? ऑर्गेनिक नहीं पढ़नी? यस, इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनिक? यस और नो, फटाफट से बताओ। यस, इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनिक और नॉट? अच्छा, सोमेश सर की आदत है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, उन्हीं की आदत है अगर तो कुछ एडजस्टमेंट करेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ठीक है, आई होप आपको सही लगेगा। देखो बच्चे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स हम करेंगे। हेलो एल्केन्स में क्या है, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। अगर हम हेलो एल्केन की बात करें, ये दो वर्ड से मिलके बना है, हेलो प्लस एल्केन, हेलो प्लस एल्केन। जहां पे हेलो का क्या मतलब है, हेलो का मतलब ये नहीं है कि हाय हेलो वाली हेलो, इट मीन्स हेलोजन। जब भी किसी एल्केन के साथ बच्चे हेलोजन ग्रुप अटैच हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। सिमिलरली हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हेलो प्लस एरीन्स। हेलो एरीन्स भी हमारे पास टू वर्ड से मिलके बने हैं, हेलो प्लस एरीन्स। तो यहाँ पे हेलो का क्या मतलब है, हेलो का मतलब भी होता है बटे हेलोजन, हेलोजन प्लस एरीन्स की कोई एरीन या एरोमेटिक कंपाउंड में जब हेलोजन आती है तब हम उसको हेलो एरीन बोलते हैं। और जब किसी एल्केन के साथ हेलोजन हो, यानी कि कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन, अगर हम हेलो एल्केन की बात करें बेटा, हेलो एल्केन में हमारे पास क्या रहता है कि कोई भी एक मिथेन ग्रुप था, जैसे मान लो CH4 था, ये मिथेन है, इसका एक एच हाइड्रोजन एटम, इसका एक हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम विल बी रिप्लेस्ड बाय वन हाइड्रोजन एटम को आप रिप्लेस कर दो किसी हेलोजन से, रिप्लेस्ड बाय एनी हेलोजन, किसी हेलोजन एटम से, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हेलो एल्केन इसने बना दिया। अब जैसे ये था CH4 को मैं लिख सकती हूँ CH3H, और यहाँ पे मैंने कोई ये वाले एच को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन के साथ, इस एच को हटा दिया और एक क्लोरीन एटम आ गया, तो इसने क्या बना दिया, CH3Cl, ठीक है, CH3Cl। यहाँ पे Cl2 हमने डाला था, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एक HCl बाहर चला गया, तो ये जो CH3Cl है इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, हेलो एल्केन। यानी कि एक हाइड्रोजन एटम को जब हम किसी हेलोजन से रिप्लेस कर दें उसको क्या बोला जाता है, हेलो एल्केन। ये बात क्लियर हुई सबको? यस, इज इट क्लियर? अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है कि अगर स्कूल में भी बच्चे यही चल रहा है तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट शिखा, ठीक है। तो कुछ भी ये नहीं करना, ठीक है, हम मानते हैं कि बच्चे टीचर बदलता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट ऑल टीचर्स आर बेस्ट। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क फ्री, ठीक है, उसमें कोई भी किसी को वो करने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे हमारे पास हेलो एल्केन्स के बारे में, कि जब भी रिप्लेसमेंट हो किसी हाइड्रोजन एटम की, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, जब हेलोजन से रिप्लेस करते हैं तो एलिफेटिक वालों को हम हेलो एल्केन बोलते हैं और एरोमेटिक वालों को हम हेलो एरीन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन में जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो कर, जिस कार्बन के साथ बच्चे हेलोजन जुड़ा है, जैसे मान लो ये CH3 था, इसके साथ क्लोरीन जुड़ता है, तो ये कौन सा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, कैन एनीवन टेल मी व्हाट वुड बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? यस यस दीपाली, यस बच्चे, एल्केन हो, जब भी एल्केन होता है तो कार्बन क्या होता है, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब एल्केन की बात आती है तो कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर हम हेलो एरीन दिखाएंगे, हेलो एरीन कौन सा हो सकता है, कि कोई भी आपने बेंजीन की रिंग ली, ठीक है, इन दिस वे,
और उसके पास एक क्लोरीन एटम लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन एटम लगा दिया, तो ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, दिस शो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हेलो एल्केन में जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा sp3, बिल्कुल सही, वेरी गुड दीपाली, शिखा एंड परवीन, वेरी गुड बेटा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड sp3, और अगर हमारे पास हेलोएरीन होता है तो उसमें क्या हो जाती है, sp2। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। राहत खुशबू, ये न्यू स्टूडेंट आया है हमारा अभी अभी, यस हेलो खुशबू बेटा, समझ आ रहा है? ठीक है, सो दैट्स ग्रेट। अरे पता नहीं क्या बीच बीच में जा रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं, गलत बात, एक ही बारी में आ गए तो बस स्ट्रिक हो जाया करो, ठीक है ना। सो इधर उधर नहीं जाना किसी ने भी। तो अब बच्चे बात आती है कि ये जो हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका यूज क्या क्या है, तो हम इनको कहाँ यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं कि ये बहुत ज्यादा सिंथेटिक जो है इसकी वाइड रेंज हमें देखने को मिलती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, ये इफेक्टिव है बच्चे उसमें भी, अगर हम बोले ना इट कैन बी ट्रीटेड एज मेडिसिन एज वेल, ये मेडिसिन में भी हम इसको यूज करते हैं, तो जनरली अगर हम इसके यूजेस देखें, सो वेरी वन मेजर यूजेस टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। सेकेंड क्या आ जाता है, एज अ मेडिसिन, मेडिसिन में जैसे टाइफाइड का जो फीवर होता है उसमें जो मेडिसिन होती है डैट इज जनरली हेलो एल्केन्स की होती है वो। ठीक है, हेलो एल्केन से बनी होती है, टाइफाइड फीवर में हम फेनिसोल लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, एक तरह की हेलोएरीन है, तो बॉडी जो है हमारी वो प्रोड्यूस करती है आयोडीन जो कि हार्मोन कंटेन करते हैं, तो अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की, अच्छा आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सा हमें वो हो जाता है डिजीज, बायो वाले बच्चे हैं, बायो वालों को पता होगा, गोइटर, वेरी गुड, यस यस यस, हाँ मैंने सरनेम बोल दिया आपका, इफ्रा नाम है ना आपका बच्चे, इफ्रा है या प्रवीण है, क्या नेम क्या आपका, यस इज इट इफ्रा और प्रवीण, परवीन सरनेम है। ओके वैसे नेम है आपका इफ्रा, ओके ग्रेट। ठीक है, तो बिल्कुल सही, सबने सही बताया कि गोइटर जो है आयोडीन के उससे कमी से हमारी बॉडी में जो डिजीज हो जाता है डैट इज जनरली कंसीडर्ड एज गोइटर, तो गोइटर के लिए भी जो मेडिसिन यूज की जाती है डैट इज ऑल्सो यूज एज अ क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विनोन हम यूज करते हैं जो कि हमारे पास एक तरह से हेलोएरीन ही है, तो मतलब ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दीज आर जनरल यूजेस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अच्छा ये बात सबको पता चली, अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते क्या हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको प्रिपेयर करने में काम आते हैं, और मेजर यूज क्या है इसका, एज अ मेडिसिनल पर्पस के लिए हम दवाइयों में भी इनको यूज करते हैं। यस इज इट क्लियर टू ऑल, चलो यस आगे मैम, चले फिर, ग्रेट, ओके नेक्स्ट रहेगा बच्चे हम इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, नाउ नेक्स्ट वन इज इट्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का क्या रूल है हमारे पास, अगर हम क्लासिफाई की बात करते हैं, वेरी फर्स्ट वन इज बच्चे फर्स्ट क्या है क्लासिफिकेशन का बेस, कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि कितने हेलोजन एटम अटैच हैं किसी के साथ, वो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि एक ही हेलोजन है, दो है या तीन है, तो जैसे तो अगर हमारे पास बच्चे एक ही हेलोजन हो, मान लो कोई भी आपने एग्जांपल ले लिया CH3X, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन, दिस वुड बी कंसीडर्ड एज मोनो हेलो एल्केन। अगर हमारे पास दो हैं, मान लो आपके पास CH2 दो एक्स थे, तो इसको क्या बोला जाता है, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, थर्ड आ जाता है बच्चे हमारे पास की तीन है, मान लो आपके पास क्या आ गए, तीन हेलोजन एटम आ गए, तो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, तीन से ज्यादा होंगे तो पोली आ जाएगा, फिर उसके लिए वर्ड्स अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, और वैसे भी तीन से ज्यादा स्ट्रेट चेन में नहीं रहेंगे, सो ये चीज आ जाए।
ऐसे ही अगर बच्चे हेलोएरीन की बात करें हम, बेंजीन के साथ एक एक्स है तो उसको आप क्या बोलोगे, मोनो हेलोएरीन। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या हो जाते हैं, टू हैलोजन्स हो जाते हैं, इफ यू आर हैविंग टू हैलोजन्स तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाई हेलोएरीन। और अगर हमारे पास थ्री हेलोजन एटम्स अटैच होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई हेलोएरीन। और अगर तीन से ज्यादा होंगे तो आप उसको फिर कैसे बोलोगे, 1 2 3 4, फोर होते हैं तो टेट्रा हेलोएरीन, पेंटा और हेक्सा, इस तरह से भी हम उसको लेके चल सकते हैं, नहीं तो पोली हेलोएरीन भी वर्ड हमारे पास रहेगा। ठीक है, ये चीज। उसके बाद आता है बच्चे वो किसके साथ अटैच है, यानी कि वो कौन से कार्बन के साथ अटैच है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। एक हमारे पास जो है कंपाउंड को, उसको इस बेस पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रहता है, अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन में पोजीशन हम डिस्क्राइब करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो कौन मुझे बताएगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी वाली कौन सी होती है पोजीशंस? इज एनीवन नो अबाउट इट? मैम, जहाँ कार्बन एक ही एटम से जुड़ा हो तो वो प्राइमरी होता है, जहाँ दो से तो सेकेंडरी और तीन से तो टर्शियरी। बिल्कुल सही, वेरी गुड शिखा, वेरी गुड। देखो बच्चे, अगर हम प्राइमरी का एग्जाम्पल लें तो आपको देखना है कि जिस भी कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, ठीक है, उसके साथ फर्दर कितने ग्रुप अटैच है। अगर एक ही ग्रुप अटैच होता है, जैसे मान लो बच्चे ये था एक, इसके साथ फर्दर एक कार्बन एटम अटैच है तो इसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी। ये कार्बन क्या हो जाएगा हमारे पास, प्राइमरी। दिस कार्बन वुड बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी। अगर जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़े हैं वो आगे फर्दर दो कार्बन एटम से अटैच है, दिस इज फर्दर अटैच विद टू कार्बन एटम, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सेकेंडरी। यानी कि आप इसको 2 डिग्री से भी डिनोट कर सकते हो। और जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है वो अगर फर्दर 3 कार्बन से अटैच है तो उसको क्या बोला जाता है, टर्शरी। ठीक है, तो ये भी इसकी क्लासिफिकेशन रहती है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की। इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो बेटा? यस एनीवन? नो अभी मैम। ग्रेट, राहत, तरुण, दीपाली, इफ्रा, क्लियर हो रहा है बच्चे? गुड, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और लेते हैं। फिर आता है बच्चे हमारे पास एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक कार्बन किसको हम बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन क्या होता है कि दीज आर द कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एसपी थ्रू हाइब्रिडाइज कार्बन। कि हेलोजन एटम sp2 के साथ हो लेकिन उसके साथ वाला डबल बॉन्ड हो, उसके साथ वाला क्या हो, डबल बॉन्डेड हो। यानी कि एलाइलिक कार्बन हमारे पास किस तरह से दिखाई देगा? नेक्स्ट हम करते हैं, दैट इज अबाउट द, यस, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है? एनीवन? यस इफ्रा, कुछ कहना है बेटा? यस, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके ओके, ठीक है। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट एलाइलिक। एलाइलिक में बच्चे हमारे पास क्या होगा, एलाइलिक में क्या रहेगा, CH2 इस तरह से, कि ये कार्बन आपका हेलोजन तो इस कार्बन के साथ अटैच है, जिस कार्बन के साथ अटैच होता है ना वो फर्दर डबल बॉन्ड के साथ होगा। यानी कि ये कार्बन के साथ वाला कार्बन क्या होगा, एल्कीन होगा, तो उसको आप क्या बोलते हो, एलाइलिक कार्बन। यानी कि हेलोजन तो एज सच है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन है वो तो सही है लेकिन उसके साथ वाला कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हाइड्रोकार्बन। एलाइलिक आप हेलो एल्केन बोल सकते हो या एलाइलिक हैलाइड। ये क्लियर हुआ सबको? जैसे कि अगर बच्चे मैं ये चीज दिखाऊं आपको कि ये बेंजीन रिंग थी, ये वाले कार्बन के साथ अटैच थी, अब इस कार्बन के साथ आपने डबल बॉन्ड दिखा दिया तो इसको आप क्या बोलोगे कि दिस इज एलाइलिक हैलाइड इन नेचर। ये हो गई एलाइलिक हैलाइड की बात। अब आता है बेटा एक बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक के बाद क्या आता है हमारे पास, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक में क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड में वो फर्दर बेंजीन रिंग के साथ ही अटैच होगा, ठीक है ना। देर आर द कार्बन एटम्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग। वो सीधा डायरेक्ट आपका बेंजीन के साथ अटैच नहीं होगा। अगर बेंजीन के साथ आप कोई एक्स एटम लगाते हो तो ये बेटा हेलोएरीन है, तब हम इसको हेलोएरीन बोलेंगे। लेकिन बेंजाइलिक कब बोलेंगे, जब ये बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच ना होके किसी और एटम के थ्रू अटैच होता है, देन ओनली इट इज कंसीडर्ड एज बेंजाइलिक।
कि तब हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। ये बात सबको क्लियर हुई? यस, एनाइलिक और बेंजाइलिक। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा? क्लियर, ठीक है दीपाली, क्लियर है दीपाली को? किसी भी बच्चे को शिखा, तरुण, राहत? क्लियर मैम। ग्रेट, वेरी गुड। चलो अब हम, यस वेरी गुड बेटा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। वेरी गुड प्रिंस, प्रिंस आया अभी अभी। हेलो प्रिंस, यस आमना, हेलो बेटा आमना एंड प्रिंस, थोड़े से लेट हो गए वो बच्चे, तो नो प्रॉब्लम प्रिंस, नो प्रॉब्लम बच्चे, आगे से थोड़ा सा हम जल्दी आया करेंगे, ठीक है? यस नो प्रॉब्लम आमना। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर कर रहे हैं, जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है बेटा, रिकॉर्डिंग भी ऑन है। अगर आपका पहले का 10-15 मिनट का रह भी गया है तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप वो पढ़ सकते हो। तो ये वाला बैच अब मैं लिया करूंगी, सो बी ऑन टाइम बेटा, ठीक है? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने शुरू करी है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर, ठीक है? तो थोड़ा सा अब हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों को नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? एनी प्रॉब्लम इफ यू गॉट यू कैन आस्क। चलो ये बेंजाइलिक वाला हमें क्लियर हुआ, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेंजाइलिक के बाद हमारे पास क्या आता है बच्चे? अब हम लेंगे कंपाउंड विनाइलिक। बेंजाइलिक के बाद एक और आ गया हमारे पास कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं विनाइलिक। बेंजाइलिक के बाद क्या है? विनाइलिक हैलाइड। अब विनाइलिक में क्या रहेगा बेटा? एराइलिक में हमने क्या बोला था कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन होगा ना, वो डबल बॉन्ड नहीं होगा, उसके साथ वाला डबल बॉन्ड होगा। विनाइलिक में क्या कहते हैं कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ रहा है ना, वही डबल बॉन्डेड है, वही क्या होगा? डबल बॉन्ड। जैसे कि इसके साथ अगर मैं एक्स लगा रही हूं, मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक्स लगाया बेटा, तो यही वाला डबल बॉन्ड होगा, हैलोजन जुड़ेगा ही डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। यानी कि अगर कोई भी आप एक्स लगा रहे हो तो वो डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ रहा है, जब वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज विनाइलिक। देखो मैं दोबारा बता देती हूँ, हमने यहाँ पे बेटा थ्री टाइप के पढ़े। एलाइलिक में क्या था? एलाइलिक का मतलब होता है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन उसके साथ वाला कार्बन डबल बॉन्ड दिखाता है। जब साथ वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एलाइलिक। और बेंजाइलिक क्या होता है बेटा? जब सीधा बेंजीन रिंग के साथ ना जुड़ के वो क्या करे, बेंजीन रिंग के साथ वाले कार्बन पे, जैसे ये आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, इस पे CH2X इस तरह से ग्रुप के साथ ज्वाइन हो, तो उसको आप बोलते हो बेंजाइलिक। और विनाइलिक का क्या मतलब है? कि जो हेलोजन जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही अटैच होती है, तो उसको हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड, ठीक है? और अगर मैं सिंपल एक बना दूं, अगर मैं एराइल हैलाइड ही बना दूं, तो डैट वुड बी, अगर मैं एक ऐसे सिंपल एग्जांपल दिखाऊं कि ये मेरी बेंजीन रिंग थी, इसके साथ हैलोजन लगा, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेलो एरीन ओनली, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? एराइल हैलाइड्स, ठीक है? यहां तक किसी भी बच्चे को बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, प्रिंस कहाँ चला गया? ओके, ग्रेट बच्चे, ग्रेट। चल थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं हम, ठीक है? हम ज्यादा नहीं, एक ही क्लास में मैं आपको बहुत सारा नहीं करा दूंगी, इतना कराएंगे बच्चे आप लोगों को समझ आए, जितना आप ग्रैब कर सकते हो इजिली, ठीक है? किसी पे कोई बर्डन नहीं डाल रहे, शुरुआत है तो धीरे धीरे ही चलेंगे। हम चलते हैं बच्चे नोमनक्लेचर पे, लेट्स कम टू द नोमनक्लेचर। नोमनक्लेचर क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक चैप्टर का, तो जब तक हमें नोमनक्लेचर क्लियर नहीं होता तब तक हम आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखो बच्चे नोमनक्लेचर एक जनरल से शुरू करेंगे हम। मान लो सबसे पहला कंपाउंड मैंने क्या ले लिया, CH3CH2Br, एक ये ले लिया हमने, और दूसरा मैंने क्या किया, एक लिया मैंने
दिस इज माई फर्स्ट कंपाउंड, सेकेंड मैंने क्या ले लिया सी एच थ्री सी एच सी एल सी एच थ्री, और थर्ड वाला कंपाउंड हमने क्या ले लिया, थर्ड वाला फिर हम लेंगे सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एल. ठीक है, अब हम इनके नेम लिखने का ट्राई करते हैं. लेट्स ट्राई विद द स्टूडेंट्स एज वेल, वन बाय वन करके देखते हैं कौन मुझे बताएगा. ठीक है, दीपाली फर्स्ट का क्या रहेगा बच्चे, दीपाली गुप्ता, कैन यू आर यू एबल टू टेल दिस? यस, दीपाली, शिखा, तरुण, राहत, आमना, कौन बताएगा मुझे बेटा? मैम एक्यूरेट नहीं पता बट शायद ब्रोमो प्रोपेन. यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, आप कह सकते हो. ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन ही होगा इसका यूपीएससी नेम. देखो अगर बच्चे फर्स्ट पोजीशन पे होता है ना ब्रोमीन, तो आप थ्री कार्बन एटम को तो हम प्रोपेन बोलते ही है. फर्स्ट पे ब्रोमीन था तो हमने यहाँ पे पढ़ा ना हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन वुड बी लाइक ओ ब्रोमो, तो इसको आप क्या लिखोगे, ब्रोमो प्रोपेन. तो वन लिखो ना लिखो डैट वुड बी अप टू यू. फर्स्ट पोजीशन को जनरली इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड थर्ड पे होता है तो वो हमें मेंशन करना पड़ता है. सो दिस कैन बी कंसिस्ट एज वन ब्रोमो प्रोपेन, एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा सेकंड का कौन बताएगा मुझे, उसको ना टेल मी अबाउट द सेकंड वन. वेरी गुड आमना, वेरी गुड बच्चे, टू क्लोरो प्रोपेन, बिल्कुल सही, टू पे क्लोरीन है और प्रोपेन. अच्छा कम टू द थर्ड वन, थर्ड का क्या नेम रहेगा फिर? वन क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन. वेरी गुड तरुण, वेरी गुड बच्चे, वन क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन. इसकी नंबरिंग हम इस तरह से वन टू और थ्री, वन पे क्या आ जाएगा क्लोरो, टू पे है मिथाइल और प्रोपेन, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये हेलो एल्केन की नंबरिंग हम नोमन क्लेचर हम इस तरह से कर सकते हैं. चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, अब हम उसके किसके लिए, हेलोएरीन के भी, उसमें हम सिंपल वाले देखेंगे. सबसे पहला हम लेते हैं ब्रोमीन ग्रुप है, बेंजीन के साथ एक ब्रोमीन ग्रुप है, दूसरे में मैंने क्या लिख दिया बेंजीन के साथ दो ब्रोमो ग्रुप है, तीसरे में मैंने क्या लिख दिया एक बेंजीन के साथ तीन ब्रोमो ग्रुप है. मान लो ये मैंने इस तरह से लगा दिए, क्या नेम आएंगे इनके? यस, फर्स्ट वाले का क्या नाम होगा, कौन बताएगा? मैम ब्रोमो बेंजीन. वेरी गुड दीपाली, वेरी गुड, इट वुड बी ब्रोमो बेंजीन. व्हाट अबाउट सेकंड, सेकंड का क्या होगा? यस तरुण, नो प्रॉब्लम, वन थ्री डाइब्रोमो बेंजीन. वेरी गुड बेटा, वन थ्री डाइब्रोमो बेंजीन, एब्सोल्युटली करेक्ट. और इसका क्या हो जाएगा फिर? मैम वन थ्री फाइव ट्राइब्रोमो बेंजीन. बिल्कुल सही, वेरी गुड, वन थ्री फाइव ट्राइब्रोमो बेंजीन. तो ये हम इस तरह से इनके नोमेनक्लेचर को कर सकते हैं, मीन्स अगर बच्चों के पास आते हैं तो वो कर सकते हैं. विश्व दीपक थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से टाइम पे हम क्लास में आएंगे, ठीक है, ताकि हमारा कुछ भी रह ना जाए. सो आपके एक बारी दोबारा से इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं बेटा, ऑर्गेनिक शुरू करी है हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन से, ठीक है. सो बेसिकली अभी हम कर रहे हैं, ऑल द रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो देयर, तो जो भी आपका थोड़ा बहुत रह गया आप रिकॉर्डिंग से भी सुन सकते हो. चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके आईयूपीएसी नेम आपको बनाने हैं. लेट मी गिव यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. वेरी फर्स्ट कौन सा लें हम, फर्स्ट वाला लेते हैं सी एच थ्री है तीन बार, सी सी एच टू सी सी एच टू और बी आर, बी आर है फर्स्ट. सेकंड मैंने लिया डबल बॉन्ड वाला एक ले लेते हैं, विनाइलिक की फॉर्म वाला सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास फिर से सी एच टू बी आर, ठीक है सी एच टू बी आर.
एक मैंने लिया CCl4, एक ले लिया CH2Cl2। अब एरोमेटिक के भी ले लेते हैं एक दो। एरोमेटिक का कौन सा लें? ClCH3 वाला लेते हैं। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है, और सिक्स्थ में क्या ले लिया? एक पे फ्लोरीन है और एक पे क्लोरीन है। ठीक है, तो ये छह करेंगे अब हम। ठीक है, लेट्स डू इट वन बाय वन। कौन मुझे फर्स्ट का कौन बताएगा आंसर? हूज गोना टेल मी अबाउट द फर्स्ट वन? फटाफट से। फर्स्ट के बारे में कौन बताएगा? हाँ, आई मैम यू सी नेम। हाँ शिखा बोलो बेटा। वन ब्रोमो टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड। इसको देखो, आपको पूरा खोल के लिखना है। सी के साथ 3CH3 ग्रुप है, तो मींस इस तरह से आप लिखोगे। यहाँ पे CH2 Br था, तो 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये आपका नेम आ जाएगा। दिस वुड बी इट्स नेम। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो नेक्स्ट वाला कौन बताएगा अब? सेकंड वाला। यस, IUPAC नेम। थ्री ब्रोमो प्रोपीन। वेरी गुड तरुण। थ्री ब्रोमो मतलब आपको यहाँ पे ये देखना था कि आपको एल्कीन को वो देनी है प्रेफरेंस या फिर ब्रोमीन को। तो बेटा हम पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। नंबरिंग जो है वो डबल बॉन्ड की साइड से स्टार्ट करनी है। तो दिस वुड बी 3 पे क्या आएगा? ब्रोमो। और ये क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो प्रोपीन। अच्छा, CCl4 का क्या नाम होगा? यस, CCl4 ये हम देख रहे हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन। यस, एब्सोल्यूटली करेक्ट। वेरी गुड बेटा। इट वुड बी टेट्रा क्लोरो मिथेन। यानी कि चार बार क्लोरो ग्रुप है और एक ही कार्बन है, तो उसको हम एज अ मिथेन ट्रीट करेंगे, टेट्रा क्लोरो मिथेन। अच्छा, CH2Cl2 क्या हो जाएगा फिर? वन वन डाइक्लोरोमीथेन। वेरी गुड, एब्सोल्यूटली करेक्ट। 1 1 डाइक्लोरो मिथेन। वेरी गुड। ओके, कम टू फिफ्थ। फिफ्थ में क्या हो जाएगा नेम? वन यस, फिफ्थ क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। एब्सोल्यूटली करेक्ट। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। वेरी गुड। अच्छा, इसका क्या आ जाएगा? फ्लोरीन को दोगे ग्रुप के पहले? क्लोरीन को किसको प्रेफरेंस देनी है? मैम क्लोरीन। मैम वो क्लोरीन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है ना, तो पहले सी आता है फिर एफ आता है। मैम बिल्कुल। लेकिन नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? इसको वन दोगे या इसको वन दोगे? यस, ये चीज का बताओ। वो तो बिल्कुल सही है बच्चे की नंबरिंग के हिसाब से हम करेंगे, लेकिन फ्लोरीन को पहला ऑर्डर देंगे या क्लोरीन को? यस, हुज गोना टेल मी? क्लोरीन। पहली प्रेफरेंस भी हम क्लोरीन को ही देंगे। ठीक है, सो इट वुड बी 1 क्लोरो 2 फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसका नाम भी क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 फ्लोरो बेंजीन। क्लियर है ये IUPAC वाला सबको? यस, एनी वन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? किसी को यहां तक कोई भी डाउट हो तो? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया है कि आपको 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C5H11Br। तो C5H11Br के लिए आप कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो? हाउ मेनी? 8 स्ट्रक्चर बनेंगे। एक बार ही अपनी अपनी नोटबुक में बना के देखो क्या क्या बनता है। आई एम गिविंग यू सम टाइम। ठीक है, मैं आपको 3 4 मिनट देती हूँ,
सारे बच्चे एक एक बार बना के। हाँ बेटा क्लोरीन बड़ा होता है ना, जनरली बड़े ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस करोगे आप, आयोडीन को, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये रहेगा ऑर्डर। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर शुड बी लाइक दिस। तो ये वाले के चार आठ स्ट्रक्चर चलो मैंने बता भी दिया किसके एट स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, तो देखते हैं कितने बच्चे कितने बना पाते हैं। आठ तो मुश्किल ही है कोई बनाए, ठीक है, देखते हैं कितने बन सकते हैं, वो बनाओ फटाफट से। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट देती हूँ सबको, पूरे 10 पे मैं सबसे पूछूंगी कि किसके क्या क्या बने। ठीक है, चलो लेट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, ड्रॉ इट, जल्दी जल्दी ड्रॉ करो। इतना मैं अपने लिए 1 ग्लास ऑफ वाटर लेके आती हूँ, फिर मैं आके पूछती हूँ किसने बना लिया और क्या क्या बनाया, फिर मैं बनाऊंगी, फिर हम मैच करेंगे कि किसके सही आए और किसने कौन सा छोड़ा था। ठीक है, फटाफट से इसको ड्रॉ करो और कॉपी पेन लेके बैठा करो बच्चे, केमिस्ट्री की क्लास में बिना कॉपी पेन के काम नहीं चलेगा। ठीक है, यस 2 मिनट रह गए हैं, फटाफट से बना लो, पूरे 2 मिनट। सात बन गए, 7 बन गए, 7 बन गए, वेरी गुड तरुण, ये भी बहुत अच्छे हैं बेटा। देखते हैं कौन सा एक आपका नहीं बना, मैं बताऊंगी तो फिर बताना, दैट्स रियली गुड। तरुण ने 7 बना ली, और बच्चों ने कितने कितने बनाए? यस दीपाली, शिखा, राहत, यस फाइव, ठीक है बेटा, 5 भी बने तो भी सही है। चलो 1 मिनट और दे देते हैं, वर्ड्स के पक्के रहेंगे। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि मैम ने पूरे 10 तक कहा था और 9 पे ही शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, 1 मिनट और। बाकी के बच्चे बताओ कितना कितना बना।
अच्छा दिल्ली में सर्दी होगी अब अच्छी वाली कि नहीं? सर्दी हो रही है दिल्ली में? यस हाँ ठीक है, चलो 10 हो गए, अब हम बचे डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला तो हमारा सिंपल सा बनता है 1 ब्रोमो प्रोपेन, पेंटेन सॉरी, CH2, CH2, CH2Br, ये सबने बना लिया होगा 1 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, सबसे पहले ब्रोमीन को फर्स्ट ग्रुप पे ही रखेंगे हम। सेकेंड कंपाउंड हम क्या बनाएंगे, ब्रोमीन की पोजीशन फर्स्ट से सेकेंड पे कर दो, इस ब्रोमीन को शिफ्ट कर दो सेकेंड पोजीशन पे, यानी कि सेकेंड हमारा क्या हो गया बच्चे, 2 ब्रोमो पेंटेन। अब सेकेंड से शिफ्ट कर दो थर्ड पे, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 ब्रोमो पेंटेन। ये तीन तो सबने बना लिए होंगे। अब बच्चे अगर मैं फोर्थ पे इसको शिफ्ट करूंगी ना, तो आप नंबरिंग उधर से स्टार्ट करके 2 पे ही ले आओगे, सो दैट वुड बी द सेम थिंग। तो ब्रोमीन की पोजीशन को लेके सिर्फ ये 3 आइसोमर ही बनते थे। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट मैंने क्या करा बच्चे, एक मिथाइल की पोजीशन को भी मैं चेंज कर लूं, ठीक है ना, लेट्स चेंज द पोजीशन ऑफ मिथाइल्स एज वेल। कि एक मिथाइल को मैंने क्या करा, साइड ग्रुप में रख दिया, एक मिथाइल को साइड ग्रुप बना देते हैं हम। उसकी कैसे रहेगी हमारे पास, देखो कैसे बनाया मैंने, CH के साथ इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप है इस तरह से, और फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बाकी का बचा हुआ कंपाउंड हम कैसे लिख देंगे, CH2 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 Br, यानी कि क्या नेम हो गया हमारे पास इसका, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारा बन गया फोर्थ नंबर वाला। अब हम फिफ्थ पे क्या बना लें, फिफ्थ पे मैंने क्या करा बच्चे, फिफ्थ पे आप ठीक है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल था ना, ब्रोमीन की पोजीशन भी चेंज कर दो, ये वाला तो ऐसा सच रखो, बस ये ब्रोमीन जो फर्स्ट पे था उसको कहीं और लिख देंगे हम, CH3 CH CH3, ये ब्रोमीन मैं यहां ले आई और इधर मैंने क्या लिख दिया, CH3, यानी 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, फिफ्थ हमारा ये बन गया। ठीक है, फिफ्थ को क्या बना दिया, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन। अब हम क्या करें, दोनों ही एक ही जगह ले आओ, आपने ये प्राइमरी बनाया ना, इसको आप ऐसा सच याद रखोगे कि पहले इसको आपने क्या बनाया था, ये प्राइमरी था। ठीक है, प्राइमरी के बाद मैंने क्या बोला था, इस कार्बन के साथ फर्दर 2 कार्बन अटैच है, ये जो कंपाउंड बना ये सेकेंडरी था। अब टर्शरी बना के देख लो, अब क्या करेंगे हम, एक टर्शरी कंपाउंड बना लेंगे इस तरह से, यहाँ पे हो गया ब्रोमीन CH3, यानी 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये क्या हो गया हमारे पास, टर्शरी कंपाउंड हो गया। इस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है, जिसके पास फर्दर कितने हैं, 3 कार्बन अटैच है, तो ये हो गया आपका टर्शरी। ये 6 सबने बनाए थे, यहां तक सबको क्लियर हुआ बेटा? अरे वाह, तरुण के 8 बन गए, वेरी गुड बेटा, राहत गुड, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, शिखा गुड। चलो अब हमारे पास 2 और बचे, तो ये तो एक लिखा ही हुआ है उन्होंने, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन भी हम बना सकते हैं। 1 ब्रोमो मिथाइल की पोजीशन चेंज कर लो, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बोला ना इस पे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारा बन गया 7th। और 8th हमारा फिर क्या आ जाएगा, लास्ट वाला हमारा क्या बनेगा, लास्ट वाला हमारा बन जाएगा फिर 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, उसको छोटा कर दो, यानी कि क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल, 1 पे ब्रोमो है, 2 पे डाई मिथाइल है, 2 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे CH3, इसको आपने क्या लिख देना है, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये हमारे पास उसके 8 आइसोमर्स बन गए, ठीक है ना, 8 आइसोमर्स ऑफ C5H11Br, पहला 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन,
थ्री ब्रोमो पेंटेन, और फिर आया हमारे पास वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, टू ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, और लास्ट पे क्या आ गया हमारा वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन एंड वन ब्रोमो टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन। ये आठ के आठ आइसो हमारे किसके हो गए, C5H11Br के। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? यस एनीवन, यस तरु, वन ब्रोमो वन इथाइल प्रोपेन भी तो बन सकता है। वन ब्रोमो वन इथाइल प्रोपेन, देखते हैं। वन ब्रोमो वन इथाइल आप बनाना चाह रहे हो, वन ब्रोमो वन इथाइल प्रोपेन। ठीक है, वन पे ही ब्रोमो और वन पे इथाइल। यस मैम, देखो इथाइल ग्रुप अगर आपने इस पे लगाया बच्चे तो ये आ जाएगा आपका CH2CH3। ठीक है, वन पे, और यहाँ पे आपने ब्रोमीन भी लगाया, और फिर आप इसको दो कार्बन की चेन इस तरह से बनाओगे तो बच्चे फिर स्ट्रेट चेन आपकी इधर से स्टार्ट होगी ना, 1 2 3 4 5, देन इट वुड बी थ्री ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, तो वो चेन फिर उधर से ही स्टार्ट होगी। अगर आप इथाइल फर्स्ट पे लगा रहे हो तो वो तो इथाइल साइड पे नहीं आएगा ना, तो फिर चेन यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लॉन्ग चेन। हाँ, तो दैट्स व्हाई दिस कैन बी हैपन, ये वाला हमारा नहीं बन पाएगा। क्लियर हुई ना बात? यस मैम, ग्रेट बेटा। ठीक है, तो चलो अब हम कुछ ऐसे आड़े टेढ़े से स्ट्रक्चर लेते हैं, उनका नाम लिखने का ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन बनाता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमें क्या दे रखा है, इस तरह का कुछ। ठीक है, और इन्होंने लगा दिया है इसके एजेस पे, इसके एज पे लगा दिया CH3 ग्रुप। ठीक है, और इन दोनों के एजेस पे, नीचे वाले के एज पे क्या लगाया, HBCH3Br, इधर एच, इधर CH3 ग्रुप, और इधर है Br, ये दोनों एच एच है। फर्स्ट ये बना दिया, सेकंड हम क्या बना सकते हैं, सेकंड हमने बनाया बेटा CH3 था, यहाँ पे Br ग्रुप है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है। ठीक है, डबल बॉन्ड में इसके पास CH3, इसके पास CH3, ये दो ग्रुप का नाम बना के देखो तो क्या बनेगा इन दोनों का। यस, फटाफट से, देखते हैं कौन बताता है। फर्स्ट वाले का देखो बच्चे क्या बनेगा, मैम टू ब्रोमो पेंट थ्री इन, टू ब्रोमो और पेंट थ्री इन। आपने अगर किधर से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर की चेन बन गई ना, तो 4 ब्रोमो होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि हम साइड चेन बेटा डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो इसका क्या नाम आ जाएगा, 4 ब्रोमो। मैम इसमें, हाँ हाँ बोलो मैम, इसमें अगर कि भी ब्रोम ब्रोमाइड ब्रोमीन के साइड से बिगिन करेंगे तो थर्ड पे ही आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से बच्चे सेकंड पे आएगा ना, इसके हिसाब से आप सेकंड पे लिखोगे इसको, फिर आप इसको पेंट टू इन लिखोगे। ठीक है, इधर तो थर्ड पे आएगा ना, बट अकॉर्डिंग टू दिस हम सेकंड वाली पोजीशन ले लेंगे इसकी, पेंट टू इन लिख देंगे। ठीक है, ओके, हाँ। अब इधर भी देखो, इधर हमारे पास क्या रहेगा, 1 2 3 4 कर लो चाहे, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 4 ब्रोमो 2 3 डाई मिथाइल और ब्यूट 2 इन, 4 पे ब्रोमो 4 ब्रोमो, और क्या रहेगा हमारे पास 2 3, सेकेंड और थर्ड पे क्या है, डाई मिथाइल ग्रुप है, और 4 की चेन थी तो क्या नाम आ गया इसका, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, दिस वुड बी द नेम। ये क्लियर हुआ सबको? यस, इसमें किसी को प्रॉब्लम? ये थोड़ा इधर उधर का था ना। यस, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो। और कोई बच्चों को, जिसने अभी अभी, कोई बच्चा ऐसा भी था, विश्व दीपक, बच्चे आपको नोमेनक्लेचर समझ आ रहा है, आप थोड़ा लेट हो गए थे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ग्रेट। ठीक है,
अच्छा एक और ट्राई करते हैं, एक आधा कैसे वाला लें अब हम, लेट्स टेक हेलोएरीन का। चलो इनका नाम देखो बच्चे क्या बनेगा, इनका क्या नाम बनेगा? यस, ये कौन बता सकता है मुझे? CH2Cl, या मैंने CH2CH2Cl ले लिया। CH2Cl क्या हो जाता है हमारे पास? क्या रहेगा? क्लोरो प्रोपाइल बेंजीन लिख सकते हैं हम इसको, क्लोरो प्रोपाइल बेंजीन। यस, या कोई और नाम बनेगा? व्हाट वुड बी द नेम? कोई बच्चा मुझे बता सकता है नेम होगा? इथाइल होगा या प्रोपाइल होगा? ओ सॉरी, इथाइल, इथाइल, ठीक है, इथाइल होगा। यस, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्लोरो इथाइल बेंजीन लिख सकते हैं हम, या कुछ और बनना चाहिए? कौन बताएगा फटाफट से? ओके चलो, इसको एज अ होमवर्क देते हैं आपको, ये तीन कंपाउंड आपको एज अ होमवर्क करके आने हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ होमवर्क मिलने वाला है, तो उसके अलावा क्या है, आपको इन सबके स्ट्रक्चर लिखने हैं। यू ऑल हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड। लेट मी पेस्ट दैट एज वेल, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको देती हूँ। Okay, let me share my screen once again. ये आपका होमवर्क है, आपको ये कंपाउंड्स सबको करके आने हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क फ्रॉम यू, एक तो ये वाला, ठीक है, ये बनाने हैं आपको। अभी बच्चे मेरे पास ये नया बैच है ना, तो आई एम नॉट देयर इन योर ग्रुप, तो एक दो दिन में जब मैं ग्रुप में ऐड हो जाऊंगी तब, अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक ये वाला दिस, ठीक है, और फर्स्ट पहले ये ले लो, सबने लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। नेक्स्ट है आपका ये तीन कंपाउंड्स जो मैंने लिखे, ये वाले, ठीक है, दिस वन। इनका नेम बताने हैं, उससे पहले वाले का स्ट्रक्चर बताओ। हाँ, इनके नेम बताने हैं, उनके स्ट्रक्चर बताने हैं, ठीक है? मैं एक बार फर्स्ट वाला शो कर दूँ। श्योर श्योर श्योर, हियर यू गो। यस ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू मैम। ओके ग्रेट, ठीक है, एक बार ये आप सबके नेम भी मेरे को अब याद हो गए हैं, तो पता रहेगा कौन बच्चा क्लास में आ रहा है या नहीं। लेट मी टेक द पिक ऑफ योर नेम्स एज वेल, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे। चलो ठीक है, तो आज हम बच्चे इतना ही करते हैं, थोड़ा फर्स्ट क्लास था, तो आई होप सबको ठीक लगा होगा। यस, किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो या किसी को कोई मेथड कुछ और तरीके से पढ़ना हो तो वो मुझे बता सकता है, I will definitely go for that. Is there any problem? No. ठीक लगा सबको? Yes, all clear. ठीक है, तो फिर बच्चे जो थोड़ा लेट हो गए थे और अपने आपके अगर ग्रुप में कॉन्टेक्ट में बच्चे हैं
तो सबको बोलना है कि क्लासेस जो हैं वो अब रीशेड्यूल हो गई हैं, तो उनको ज्वाइन करें। बच्चे मेरा नाम है नवनीत कौर, डॉक्टर नवनीत कौर, एंड आई हैव डन PhD इन केमिस्ट्री। ओके, सो इट्स रियली नाइस टू मीट यू ऑल। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए सबको बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ओके, थैंक यू शिखा, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय बाय।